तो हेलो दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर पैरामीटर की। तो अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे जो फर्स्ट पैरामीटर है वो टैबलेट इनटू एच है। टैबलेट मतलब टैबलेट हमारी पर आवर कितनी निकलती है। अगर हमने यहाँ पे 50 लिखा है तो हमारी 50,000 टैबलेट पर आवर निकलेगी, और ये लिमिट आप जैसे मशीन के एवरेज के हिसाब से चलता है वो उतना हम बढ़ा सकते हैं जो मशीन की स्पीड बताता है। और ये जो दूसरा आपको दिखा दो नंबर पैरामीटर है उसमें आपको दिखा दिया रोटर स्पीड। अब रोटर स्पीड ये यहाँ कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो हमारी मशीन की स्पीड चलेगी जो हम एक नंबर में सेटिंग करेंगे 50,000 और 1,00,000 वो हमारे रोटर की स्पीड ऑटोमेटिकली निकल के आ जाती है। अब आगे बात करते हैं तीन नंबर पैरामीटर की, जो लिखा है फिलोमेटिक स्पीड RPM। अब फिलोमेटिक मीन फेटे वालों को पता है फोर्स फीडर है, लेकिन जो फेटे नहीं चलाते हैं उनके लिए कि फिलोमेटिक मीन फीडर जो हमारा फोर्स फीडर है उसकी स्पीड को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो हमारा जो फोर्स फीडर है वो कितने RPM पे चलना चाहिए नंबर तीन पैरामीटर में सेटिंग करते हैं। चौथा जाता है परमिसिस पंच लोड इन किलो न्यूटन। तो ये जो चार नंबर जो पैरामीटर है ये हम अपने आप से सेटिंग नहीं करते हैं, एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया जाएगा जो हमारा 35-34 नंबर पैरामीटर पे जो हम पंच की जो सेटिंग करते हैं उसकी विड्थ कितनी है, उसका डायामीटर क्या है या उसकी जितनी लेंथ है वो जो हम सेटिंग करते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका पंच का लोड अपने आप जनरेट होके आ जाता है। मानो डायामीटर राउंड शेप के लिए अलग रहेगा, कैप्सूल शेप के लिए अलग रहेगा। तो अभी हम बात करते हैं पाँच नंबर की, मेन कंप्रेशन फोर्स मेन वैल्यू इन किलो न्यूटन्स। तो ये जो हमारा पिछला एक वीडियो बनाया था मैंने AW सेटिंग के लिए, तो उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है कि जो AW सेटिंग हम करते हैं पाँच नंबर में मेन कंप्रेशन फोर्स कैसे करते हैं, कैसे हम मिनिमम और मैक्सिमम पंच पे वेट को लेके जाते हैं और जो हमारी फोर्स निकल के आ जाती है एवरेज उसको हम यहाँ पे आके सेट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक में जाके जरूर देखिए, आपको ये नंबर फाइव जो आपका पैरामीटर है वो ईजिली समझ आएगा। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वेट को लेके जाते हैं, जो हमारी फोर्स एवरेज निकल के आती है उसको रखते हैं। ओके, तो लिंक में जाके वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट है टैबलेट फिलिंग डेप्थ इन MM। तो ये जो हमारा पैरामीटर है ये टैबलेट फिलिंग डेप्थ को लेके है। हमारा जैसे हम फिलिंग बढ़ाएंगे तो हमारा टैबलेट का वेट बढ़ेगा, और फिलिंग अगर कम करेंगे तो हमारी टैबलेट का वेट कम होगा। अब नेक्स्ट करते हैं मेन कंप्रेशन मेन वैल्यू मैक्सिमम। तो जो मेन कंप्रेशन फोर्स की जो वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं तो वो अपने आप वो जनरेट होके आती है हमारे पास। इसका भी जो हमने मेन जो बात करी है वो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, जो लिंक में जाके देखें। आज हमें खाली पैरामीटर में क्या क्या सेटिंग है वही बताऊंगा डीपली, आप जो लास्ट वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। और जो 8 और 9 जो है, 8 जो 9 जो हमारी फोर्स SRL परसेंटेज मतलब स्टैंडर्ड रिलेटिव डेविएशन जो परसेंटेज में निकल के आती है हम वहाँ उसको डालते हैं। अब जैसे बात करेंगे 10 और 11 नंबर की, एक 10 और 11 का जो रहता है वो इंडिविजुअल वैल्यू है, अपर साइड में वो कितना जाएगा और लोअर साइड में कितना जाएगा। जैसे हमारा 5 और 6 में जो हमारी एवरेज वैल्यू आ जाती है, मानो किसी टैबलेट का वेट 200 mg है उससे फोर्स 5 kN लगती है, और जो हमारा लिमिट है उसके अंदर वो मानो 5 kN पे हमारी 200 mg कंप्रेस हो रही है, तो जो लिमिट है 5 kN हमारी एवरेज है, और 7 और उसके नीचे 3 kN जो जितना भाई परसेंटेज निकल के आता है वो हम अपने इन 10 और 11 में डालते हैं। तो 10 और 11 में अगर हम 25% डाल देते हैं मिनिमम, 25% डालते हैं मैक्सिमम, मतलब जो भी हमारी वैल्यू अगर 25 से ऊपर जाएगी वो रिजेक्ट होगा, जो 25 से नीचे जाएगी वो रिजेक्ट, एक तरह से हमारी रिजेक्शन लिमिट है। तो हमारी टैबलेट कंप्रेशन होने के लिए हमारा कितना प्रेशर कितना फिलिंग डेप्थ होना चाहिए तो वो यहाँ पे हमारे 10 और 11 नंबर पैरामीटर में हमें पता चलता है। और नेक्स्ट है प्री कंप्रेशन फोर्स मेन वैल्यू इन किलो न्यूटन। तो जिस तरीके से हमारा मेन फोर्स पे कंप्रेशन मेन फोर्स पे लग रही है उसी तरीके से हमारा जो प्री कंप्रेशन कितना लग रहा है वो हम यहाँ पे अपने 13 नंबर पे हम उस चीज़ को सेटिंग करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है 14 गुड प्रोडक्शन इनटू 1000। अब ये तो सीधी सी जनरल सी बात है कि हमारी गुड प्रोडक्शन कितना निकल रहा है। अब कोई बैच साइज हमारा चल रहा है 1,00,000 का, उसमें बीच में कोई रिजेक्शन भी आ रही है, जो आपका 15 नंबर पे है बैड प्रोडक्शन,
मानो मेरी टैबलेट कंप्रेस में हो चुकी है 1 लाख, उसमें मेरी 1000 टैबलेट मेरी बेड में चली गई है। तो उस बेड को एक्सक्लूड करके वो गुड प्रोडक्शन हमें यहाँ पे बताता है कि हमारे पास गुड प्रोडक्शन कितना निकला है, और 15 हमें ये बताता है कि अपने पास बेड प्रोडक्शन कितना निकला है। तो ये 14 और 15 में खाली सिर्फ यही बताया जाता है कि आपका गुड प्रोडक्शन कितना निकला है, बेड प्रोडक्शन कितना निकलता है। और आगे जो 16 और 17 नंबर के पैरामीटर हैं, ये दोनों हमारे पास ब्लैंक हैं, इनके भी कोई सेटिंग नहीं है। आगे हम चलते हैं 18th पे, टैबलेट सिलिंड्रिकल हाइट मेन कंप्रेशन इन mm। एक्चुअली जो सिलिंड्रिकल हाइट है, जो बाकी हमारी कंप्रेशन मशीनें रहती हैं, सिलिंड्रिकल हाइट को हम बोलते हैं हमारी थिकनेस। जो फैटे मशीन है, इसमें हम सिलिंड्रिकल हाइट को हमेशा डिनोट करते हैं थिकनेस के लिए। तो जैसे अब हम मान के चलते हैं, जैसे चलो मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक तो ये मैं पहले किया 5 mm का, और ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरी सिलिंड्रिकल हाइट है, क्योंकि सिलिंड्रिकल शेप है, क्योंकि हमारी जो डाई रहती है, डाई की अंदर जो कैविटी बनी है वो हमेशा सिलेंडर के जैसा, चाहे राउंड हो चाहे कैप्सूल हो, बट वो एक सिलेंडर के जैसे होता है, इसलिए हम सिलिंड्रिकल हाइट बोलते हैं। जैसे फिगर फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं, ये जो मेरी हाइट है वो 7 mm की है, और दूसरी जो हाइट है मेरी वो 5 mm की है। तो इस तरीके से अगर मैं सिलिंड्रिकल हाइट 5 रखता हूँ, तो जो मेरी टैबलेट की जो थिकनेस होगी वो बिल्कुल कम होगी। अगर मैं सिलिंड्रिकल हाइट अपनी 7 रखता हूँ, तो मेरी जो टैबलेट की जो थिकनेस होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब मेरी हार्डनेस कम हो जाएगी। तो जब भी हमें इस पैरामीटर का मेन फंक्शन यही है कि अगर हमें अपनी टैबलेट की थिकनेस कम या ज़्यादा करनी है, तो हम उसको लिए अपनी सिलिंड्रिकल हाइट को कम और ज़्यादा करेंगे। जैसे हम सिलिंड्रिकल हाइट को ज़्यादा करते जाएंगे, मानो 7 की तरफ चलेंगे, तो हमारी जो थिकनेस होती है वो बढ़ती जाती है, और सिलिंड्रिकल हाइट हम जितना हम कम करेंगे, हमारी थिकनेस उतनी ही कम होती जाएगी, टाइट होती जाएगी, हमारी हार्डनेस उतना अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो नेक्स्ट है हमारा टैबलेट हाइट प्री कंप्रेशन में। तो जिस तरीके से हमारा मेन कंप्रेशन की सिलिंड्रिकल हाइट है, उस तरीके से हमारी जो हमारा प्री कंप्रेशन है उसकी सिलिंड्रिकल हाइट है। लेकिन आपको हमेशा में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा मेन कंप्रेशन की जो सिलिंड्रिकल हाइट है और जो प्री कंप्रेशन की है, उनमें डिफरेंस होना चाहिए। हमारा जो मेन सिलिंड्रिकल हाइट है वो अपने प्री से बहुत ज़्यादा होता है, और हमें हमेशा जो हमारा प्री कंप्रेशन की जो सिलिंड्रिकल हाइट है वो हमेशा कम रखनी चाहिए। वो सिर्फ इतना रखना चाहिए कि हमारी एक्स जो इसके अंदर जो कैविटी के अंदर एयर है वो एक्सपॉइल हो सके, ऐसा ना हो कि हमारी टैबलेट वहीं पे कंप्रेस हो गई। अगर हमारी टैबलेट प्री कंप्रेशन में ही हम ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं, तो हमारी टैबलेट वहीं पे कंप्रेशन हो जाती है, और उसका ड्रॉबैक क्या रहता है कि मेन कंप्रेशन में जाके हमें वो प्रॉब्लम आती है, जो हम एक कंप्रेशन डिफेक्ट की बात करते हैं, कैपिंग की। अगर हम फुल फोर्स अपने प्री कंप्रेशन में ही लगा देते हैं, तो आगे जाके वो और फोर्स लगाता है, जब वो मेन फोर्स लगती है तो उसमें हमारे पास कैपिंग की प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमेशा आप ये चीज़ याद रखना कि जो आप कभी भी प्री कंप्रेशन की सेटिंग करोगे, प्री कंप्रेशन हमेशा हल्का सा देना होता है। मानो आपका मेन कंप्रेशन 5 kN लग रहा है, तो आप 1 to 1.5 कंप्रेशन तक प्री कंप्रेशन ही रखें, ताकि आपका जो मेन आपका मेन टारगेट कंप्रेशन का होता है, आप एयर को एक्सपॉइल करने का, और इसके अलावा हम उसमें कुछ नहीं करते। अगर हम मेन कंप्रेशन में ही दे देंगे, तो हमारी कैपिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी जो 32 नंबर जो हमारे पास पैरामीटर है, वो 1, 2 और 3, तो इस पे हम बात करते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारा आता है 22, जो मीन टैबलेट वेट इन mg। तो ये पैरामीटर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जो एवरेज हमारा वेट आता है। आगे जैसे हमारी कोई टैबलेट 200 mg की है, तो हम यहाँ 200 mg डाल देंगे, हमारा कितना अप डाउन वेरिएशन चलता है वो हमें बताएगा। तो नेक्स्ट है एडजस्ट 1, 2, 3, रिजेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 और ग्रेटेस्ट स्पीड RPM। तो एडजस्ट 1, 2, 3 मीन 1 है, तो हमारा ऑटोमेटिक मोड में चल रही है। जब हम सेटिंग मोड में रहते हैं, तो हमें 2 नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैनुअली सेटिंग करनी है। जब हमारी ऑटो रन में आती है, तो हम 1 सेलेक्ट करेंगे, ताकि वो
AWS हमारा ऑनलाइन काम करे। सेकंड है रिजेक्ट 1, 2, 3, 4, 5। इसमें ये हमेशा हमें 5 पे सिलेक्शन करके रखना होता है ताकि मशीन ऑटो मोड में चले। और जो ग्रेट एक्स स्पीड RPM है ये और कुछ नहीं है, ये खाली जैसे हमारा फिलोमेटिक है, फिलोमेटिक हम फोर्स फीडर बोलते हैं। ग्रेट एक्स स्पीड का मीन है जो हमारा डिडस्टर जो इसके साथ ऑटो कनेक्ट में रहता है, तो वो हमारी उसकी सेटिंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी हम नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं जो हमारा पेज नंबर 2 है यहाँ पे। तो पेज नंबर 2 पे सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट डायमीटर की। तो जो हम टैबलेट बनाते हैं वो हमारी कैप्सूल शेप है या राउंड शेप है वो हमारा यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे हमने पिछले 5 नंबर पैरामीटर की बात करी थी, जो 5 नंबर पैरामीटर पे परमिसिस पंच लोड जो आता है वो इन 2 पैरामीटर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर हमारा टैबलेट है राउंड शेप में तो यहाँ खाली राउंड में डालेंगे, ओबलोंग नैरो साइड में हम 0 कर देते हैं। ये वैल्यू हम तब डालते हैं जब हमारी टैबलेट कैप्सूल शेप में होती है, ठीक है। तो हम डायमीटर को हम NA कर देते हैं, मीन 0 कर देते हैं, और 30 और 37 में हम नैरो साइड और ओबलोंग साइड डालते हैं। अब ओबलोंग साइड हमारी टैबलेट की लेंथ आ जाती है, और जो लॉन्ग साइड नैरो साइड आ जाती है हमारी विड्थ, और जो लॉन्ग साइड आ जाती है वो हमारा डाला जाता है टैबलेट की लेंथ। अब जब ये लेंथ हम 36 और 37 में डालते हैं तो ये ऑटो कैलकुलेट करके हमारे 5 नंबर पैरामीटर में बता देता है कि आप परमिसिस पंच लोड कितना ले सकते हैं। अब 36 पे टैबलेट फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी टैबलेट की शेप्स हैं। इन शेप से हमें पता चलता है कि आपकी राउंड शेप है, ओवल है, बाइकनवेक्स है, फ्लैट फेस्ड है, वो डिपेंड करता है। फिल कैम डालने की हमें ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ये फिल कैम ले लेती है जो भी आप फिल कैम लगाते हैं। अपर पंच लेंथ, लोअर पंच लेंथ वो हम डाल सकते हैं। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 45, 46, 47 और 48 नंबर। पंच स्टिफनेस टॉप का और पंच स्टिफनेस बॉटम का। तो पंच स्टिफनेस का मीन यही है कि जो हमारे लोअर पंच जो रहते हैं या अपर पंच जो ड्यूरिंग ऑल द रन टाइम हमारी कैविटी के ऊपर नीचे जो मूवमेंट करते रहते हैं तो वो ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहे हैं, हार्ड नहीं हो रहे हैं कैविटी के इनसाइड, तो वो हमें यहाँ से पता चलता है। अगर पंच की स्टिफनेस मानो हमने 70 kN डाल रखा है तो हमारा ऑटो लुब्रिकेशन चल रहा है तब तो हमारा वो लिमिट में आता रहेगा। मानो किसी वजह से हमारा ऑटो लुब्रिकेशन रुक जाता है, नहीं आता है, तो जो पंच की स्टिफनेस है वो बढ़ जाती है। तो एक तरह का ये वार्निंग अलार्म होता है। तो वार्निंग अलार्म में तो हमें वार्निंग करता रहता है कि पंच की स्टिफनेस बढ़ती जा रही है, लेकिन जब ये स्टॉप वार्निंग पे पहुंच जाएगा, मानो 70 हमारा वार्निंग है और 90 हमारा स्टॉप पे, तो 90 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, वो पंच उतारने पड़ेंगे, खोलने पड़ेंगे, क्लीन करने पड़ेंगे, फिर लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका वो स्टिफनेस जो लिमिट में आती है। इसके लिए हमारा ऑटो लुब्रिकेशन ओके काम करना चाहिए। तो अपना रिजर्वियर हमेशा चेक करते रहें और ऑटो लुब्रिकेशन ऑन करके रखें, नहीं तो इस पैरामीटर की वजह से आपकी मशीन बार बार बंद हो सकती है। मेन मोटर करंट मैक्सिमम ये तो चलता रहेगा, जो भी आ रहा होगा वो डिस्प्ले करेगा। परमिटेड बेड टैबलेट, आप कितनी टैबलेट परमिट कर रहे हैं मशीन के लिए होने के लिए। और सेम पंच बेड मीन आपकी मशीन कंटिन्यू रन हो रही है, मानो को 73 स्टेशन की मशीन है और एक राउंड में आपकी यहाँ जैसे हमने 3 टैबलेट सेट किया हुआ है, तो आपकी पर राउंड में 3 टैबलेट अगर रिजेक्ट होती हैं तो आपकी मशीन चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। अगर ये सेम राउंड में 4th टैबलेट रिजेक्ट होगी तो आपकी मशीन स्टॉप हो जाएगी। और सेम पंच बैट मीन अगर हर राउंड में मेरे 5 नंबर या 2 नंबर पंच सेट से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, मानो मेरी जब मशीन चल रही है तो एक बार मैं 2 नंबर से रिजेक्ट हो गया, 10 से हो गया, 18 से हो, 20 से हो गया, या 60 नंबर से हो गया, या 73 स्टेशन से हो गया, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ही पंच से बार बार रिजेक्शन हो रहा है, द सेम पंच बैड, मानो 10 नंबर पंच है तो हर राउंड में 10 नंबर पंच से रिजेक्शन हो रहा है, तो वो भी उसको आइडेंटिफाई करेगा और मशीन को वार्निंग देगा कि आपका इस पंच से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। तो वो 2 राउंड घूमेगा, उसके बाद वो वार्निंग देके स्टॉप कर देगा। तो आपको वो पंच चेक करना पड़ेगा वहाँ जाके कि उस पंच से बार बार ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। स्टैटिक नंबर ऑफ द टैबलेट, ये हम टैबलेट फर्स्ट राउंड की डाली होती हैं कि आपकी कितनी टैबलेट के बाद हमारी मशीन चलनी चाहिए। प्रेशर फोर्स मीन वैल्यू, फिलिंग डेप्थ रेगुलेट नंबर, प्री कंप्रेशन मीन वैल्यू मैक्सिमम, प्री कंप्रेशन वन टॉप मार्क्स परसेंटेज, प्री कंप्रेशन मैक्सिमम परसेंटेज
और स्टार्ट द रिलीफ। तो ये जितने भी हमारे 57 से लेकर 62 तक जो हमारे पैरामीटर हैं, ये हमारे हमेशा बाई डिफ़ॉल्ट रहते हैं, तो इनमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्री कंप्रेशन जो हम देते हैं, ये हमारा ऑब्ज़र्व करता रहता है कि आपका सेट कितना किया है और आपकी ऑब्ज़र्व वैल्यू क्या है। और सबसे जो आगे एक नॉलेज, जनरल नॉलेज वाला जो पैरामीटर है, वो है स्टार्ट लीफ। स्टार्ट लीफ का मतलब ये है कि जब आपकी मशीन चल रही है तो वो हमेशा आपकी अंडर प्रेशर रहती है, आपने केन के हिसाब से प्रेशर दे रखा होता है मशीन के ऊपर। तो जब भी आप मशीन बंद करते हैं, अदर मशीन में क्या होता है कि जैसे फर्स्ट राउंड स्टार्टिंग के रिजेक्ट होते हैं, लेकिन फेटे में ऐसा रहता है कि आपके फर्स्ट और स्टॉप होने से पहले भी कुछ राउंड आपके रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। क्योंकि जब स्टार्ट रिलीफ में अगर मैंने डाला है, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू मैंने डाल दी फर्स्ट राउंड की या टू राउंड की, मानो फर्स्ट राउंड की या टू राउंड की, तो उसमें क्या रहता है कि मेरी जो मशीन है वो बिल्कुल अंडर प्रेशर में है। लेकिन जब मैं मशीन को स्टॉप कर दूंगा तो वो अपने आप लास्ट के जो हमारा कैम है वो प्रेशर है, वो रिट्रैक्ट हो जाता है अपने ट्रैक से। मीन अगर मेरी मशीन 5 kN प्रेशर पे चल रही है, तो मैं जब मशीन को स्टॉप करता हूँ तो वो डायरेक्ट से जीरो पोजीशन पे चली जाती है और सारी टैबलेट रिजेक्शन में चली जाती है। और जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट टू राउंड होने से पहले वो जीरो रिलैक्स पोजीशन में होती है, फर्स्ट टू राउंड के दौरान ही वो ट्रैक पे आ जाती है और एकदम से टैबलेट बनाना शुरू कर दी है, वो प्रेशर गेन कर सकती लेती है। तो स्टार लीफ वो है यहाँ पे। तो हमने थर्ड स्क्रीन खोल ली है, इसमें है डिस्चार्ज गेट डिले, फिलोमेटिक प्रीरन, फिलोमेटिक पोस्टरन। तो डिस्चार्ज गेट हमारा कितने सेकंड में स्टार्ट स्टॉप होना चाहिए, वो है फिलोमेटिक प्रीरन। मानो मेरी मशीन चलती है, मशीन के चलने के साथ ही फीडर चलता है, तो वो मैं सेटिंग कर सकता हूँ जैसे मशीन चलाता हूँ, लेकिन मशीन के रन होने से पहले मेरा फिलोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और जब मशीन बंद करता हूँ तो मेरा जो फिलोमेटिक है, जो मेरा फीडर है, वो मशीन के साथ तुरंत बंद हो जाए या मशीन के बंद होने के कुछ सेकंड तक वो चलता रहे, तो वो सेटिंग हमारी यहाँ पे दी हुई है। मशीन के कुछ सेकंड चलने से पहले ही मेरा फीडर स्टार्ट हो जाए और चलने से पहले बंद होने से पहले ही बंद हो जाए, या उसके चलने के बाद भी, बंद होने के बाद भी चलता रहे। तो ये सब सेटिंग हमारी यहाँ पर दी गई हैं। तो नेक्स्ट है मेरा मेमोरी साइकिल और एडजस्टमेंट डिले। तो ये हमारी सेटिंग यहाँ पे इस तरीके से है कि एडजस्टमेंट डिले जो है वो हमारा सेकंड्स में दिया हुआ है। जितनी भी हम एडजस्टमेंट मशीन में करेंगे, तो अगर वो टाइम से हो गई तब तो ठीक है, लेकिन अगर 2 सेकंड के अंदर अंदर वो सेटिंग नहीं हुई है तो हमारी मशीन बंद हो सकती है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा रिजेक्ट डिले। तो इस तरीके से ये जितने भी पैरामीटर है मशीन के, अब 83 हो गया, 85 हो गया, आगे के पैरामीटर आपके जितने भी हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जो हमारे फर्स्ट पेज पे जितने भी पैरामीटर हैं वो बहुत ही जानने के योग्य हैं। तो आप उन पे मेन कंसंट्रेशन करना, क्योंकि जितने भी सेटिंग्स हैं वो फर्स्ट पेज से हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक था, आज का जो मेन वीडियो बनाने का था वो यही था कि फेटे कंप्रेशन मशीन के पैरामीटर की सेटिंग हम कैसे करें, ताकि हम किसी भी इंटरव्यू में अगर जाएं, अगर हमें पूछा जाता है तो उसका आंसर हम ढंग से तरीके से दे सकें, ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। और जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्त को भी दिखाएं। और आप मेरे चैनल पर जाएँ और मेरे चैनल पर बाकी वीडियोज़ को भी अब सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और बाकी दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं जिनको आप उन वीडियोस को शेयर करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू सो मच।